नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग पहुंचे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन 3 है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इसमें हमको बताना कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। पहले वाले क्वेश्चन में भी इसी तरह था, लेकिन उसमें हमको कॉन्सिस्टेंट बताना था। ठीक है, अब इसमें इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट बताए, तो कंसिस्टेंट कौन से होंगे जिसका सॉल्यूशन होगा, या एक सॉल्यूशन होगा या इन्फिनिटी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, तो वो होता है कंसिस्टेंट। और जिसका पैरेलल लाइन आता है मींस उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन, तो वो होता है इनकंसिस्टेंट। हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले की इसके पहले वाले की तरह करना है, पहले हमको a1 a2 लेना है। यहाँ पर एक चीज देखेंगे, इसका जो कंपेयर होता है a1x + b1y + c1 होता है और इक्वल टू जीरो, क्योंकि इक्वल की इस तरफ यहाँ पर ये नंबर है कॉन्स्टेंट नंबर जो c है, तो हम अगर इसे ट्रांसफर करेंगे तो c का वैल्यू -5 आएगा। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान देके चलिए, मैं ट्रांसफर कर रही हूँ लेकिन c का वैल्यू डायरेक्ट -5 रखूंगी, आप लोग समझ लेंगे क्योंकि वो हमने -5 रखा है। ठीक है, तो a1 = 3, b1 = 2, c1 = -5, a2 = 2, b2 = -3, c2 = -7। ठीक है, अब हम इसका वैल्यू लिखते हैं, a1/a2 = 3/2, b1/b2 = -3 एंड c1/c2 = 5/7। ये -5 कट गया। ठीक है, -5 कट हुआ तो आया 5/7। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के। a1/a2 का वैल्यू 3/2 है, जबकि b1/b2 का वैल्यू -2/3 है, जो कि इक्वल नहीं है। और जब इक्वल नहीं है तो ये हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो हम क्या लिखेंगे, hence given line are intersecting। ये लाइन क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग कर रही है। जब भी ये दोनों इक्वल नहीं होते मतलब ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग कर रही है। सो द इक्वेशन सेज ओनली वन सॉल्यूशन, या यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं, ओनली वन, या वन को ही यूनिक बोला जाता है, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन है, तो देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट। ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट। यदि आपका आंसर इसमें आ रहा है एक सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट होगा। इसी तरह सेकेंड करेंगे, a1 = 2, b1 = -3, c1 = -8। इसी तरह a2 = 4, b2 = -6 और c2 = -9। ठीक है, इसी तरह से करेंगे। हमने यहाँ c1 c2 इसलिए नहीं लिखा, यदि ये दोनों इक्वल नहीं है तो हमको आगे देखने की जरूरत नहीं है, ये इंटरसेक्टिंग होते हैं लाइंस। ठीक है, अब यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं, 2/4 मीन्स 1/2, b1/b2 = -3/6 means -9 कर गया 1/2, and c1/c2 = -8/-9 means 8/9। यहाँ पर देखेंगे ये दोनों इक्वल है तो a1/a2 = b1/b2। अब यदि ये दोनों इक्वल है तो हमको c1/c2 भी देखना पड़ेगा, तो c1/c2 क्या इक्वल है, नहीं, c1/c2 है 8/9, जबकि ये दोनों है 1/2, तो ये इक्वल नहीं है। इसका क्या मतलब होता है कि ये पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो हम लिखेंगे हैंस गिवन लाइंस आर, गिवन लाइंस आर पैरेलल, सो इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन होगी तो नो सॉल्यूशन होगा, है ना, एंड देयरफॉर
ठीक है, इट इज इनकंसिस्टेंट। इसी तरह इसको करते हैं, ए वन इज इक्वल टू थ्री अपॉन टू, बी वन इज इक्वल टू फाइव अपॉन थ्री, सी वन इज इक्वल टू माइनस सेवन। से ध्यान से देखेंगे ये फ्रैक्शन में है, ठीक है। ए टू इज इक्वल टू नाइन, बी टू इज इक्वल टू माइनस टेन एंड सी टू इज इक्वल टू माइनस फोर्टीन। इसको भी कंपेयर करते हैं, ए वन अपॉन ए टू क्या हो जाएगा, ए वन अपॉन ए टू यहाँ पे थ्री अपॉन टू अपॉन नाइन, मीन्स ये क्या हो जाएगा वन अपॉन नाइन टू एटीन, मीन्स सिक्स एटीन, थ्री टू सिक्स एटीन, वन अपॉन सिक्स, ठीक है। ये दोनों को डिवाइड करेंगे, इसको हमने रेसिप्रोकल किया, ये तो आप लोग को आ जाता होगा, डिवाइड में रेसिप्रोकल हो जाता है, तो नाइन टू जा एटीन हो जाएगा और एटीन टू थ्री सिक्स जा एटीन, ठीक है। इसी तरह इसको करेंगे, बी वन अपॉन बी टू में क्या हो जाएगा फाइव अपॉन थ्री अपॉन माइनस टेन, ठीक है। अब ये भी हो जाएगा कितना, टेन वन अपॉन सिक्स माइनस वन अपॉन सिक्स, ये माइनस है इसके माइनस वन अपॉन सिक्स, और सी वन अपॉन सी टू कितना हो रहा है माइनस सेवन अपॉन माइनस फोर्टीन मीन्स वन अपॉन टू। तो यहाँ भी हमको दिख रहा है ये वन अपॉन सिक्स है, माइनस वन अपॉन सिक्स है, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, एक प्लस है एक माइनस है, तो ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल बी वन अपॉन बी टू, ये दोनों इक्वल नहीं है, हैंस ये वाला लाइन लिखेंगे, हैंस गिवन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, सो इट हैज नो सॉल्यूशन, इट हैज वन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होगा, देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट। ये क्या है, कंसिस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ, तीनों क्वेश्चन पहले सॉल्व करके बताए हुए थे, इसके पहले कि अब फोर फाइव में सॉल्व करके रख दी हूँ, अब आप लोगों को समझा और देती हूँ, आप लोगों को समझने तो अच्छे से आ ही गया होगा। इसमें भी फोर में देखिए हमने लिया ए वन फाइव, बी वन माइनस थ्री और सी वन माइनस इलेवन, इसी तरह ए टू माइनस टेन, बी टू सिक्स, सी टू ट्वेंटी टू। ए वन अपॉन ए टू का वैल्यू आता है वन बाई टू, फाइव अपॉन माइनस टेन मीन्स वन बाई टू, बी वन अपॉन बी टू भी आया माइनस थ्री अपॉन सिक्स मीन्स माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू, और सी वन अपॉन सी टू भी आया माइनस इलेवन बाई टू, माइनस इलेवन बाई ट्वेंटी टू मीन्स माइनस वन बाई टू, तीनों का वैल्यू माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू आ रहा है, मीन्स तीनों इक्वल है। अगर तीनों इक्वल होते हैं तो हम क्या लिखेंगे, सो गिवन इक्वेशन आर मैनी सॉल्यूशन, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, इट इज कंसिस्टेंट, ये डिपेंडेंट होगा, कंसिस्टेंट कब होता है जबकि सॉल्यूशन होता है, तो इसका जब ये तीनों इक्वल होता है तो ग्राफ में एक सिंगल लाइन रहती है दोनों इक्वेशन की, तो ये क्या है मैनी सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट है। इसी तरह ये भी है सेम, देख लीजिए सेम क्वेश्चन है, इसमें भी ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू, सी वन अपॉन सी टू, तीनों इक्वल है, अगर तीनों इक्वल है तो मैनी सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व करें और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए,